चलिए हम आपको अगली तस्वीर दिखाने लेकर चल रहे हैं शिवाजी नगर में, जहाँ पर सरस्वती पूजा आयोजन किया गया। वहाँ पर माता सरस्वती के प्रतिमा का स्थापना कर दूसरे दिन विसर्जन किया गया। हम लेकर चलते हैं जिस दिन स्थापना हुई उसके पूर्व संध्या पर माझी नगर सेवक कमलाकर पाटिल ने आकर के वहाँ पर लोगों से क्या बातचीत की, हम लेकर चलते हैं वो सुनाने के लिए। हर साल मेरे ख्याल से सरस्वती पूजन यहाँ पे होता है, लेकिन इस साल मेरे को लग रहा है या तो नोटबंदी का असर दिख रहा है या तो राजनीति का असर दिख रहा है। मैं तो मेरे को आपने बेघर किया उसका असर दिख रहा है, क्योंकि मैं अभी राजीव गांधी नगर में गया था, उधर सरस्वती पूजन है, वहाँ पे कम से कम 1000 लोगों की भीड़ थी, तो यहाँ पे इतना कम क्यों है, उल्टा उससे ज्यादा इधर लोग रहते हैं मिथिलावासी। तो आपसी राजनीति रंजिश में आप आपके समाज का जो प्रोग्राम है वो अच्छे से करो, मेरी यही आपसे विनती है। हम लोग तो क्या आएंगे जाएंगे, आज ये है हर साल में 3 सीजन आते हैं, वैसे हर 5 साल में कोई ना कोई आते जाते रहेगा, लेकिन अब आपका परिवार मत तोड़ो। हम लोग गया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के मन से नहीं निकलो, 4-5 लोग रहेंगे उनसे अपन कुछ गिला शिकवे नहीं कर सकते, क्योंकि हर घर में रावण सरी का शिव भक्त रहने के बाद वो कोई किसको उसको कोई मार नहीं सकता था, लेकिन हर घर में कोई तो ऐसे एक विभीषण पैदा होता है, हर एक परिवार में कोई तो पैदा होता है, उसकी वजह से पूरा समाज का भी नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, ये आपसी राजनीति छोड़ के आप अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, जो आपने हिंदू धर्म के उत्सव आते हैं उनके लिए इकट्ठा रहो, और आप अपने बच्चों को अच्छे से तालीम दे दो, क्योंकि ये जो आप करोगे ये संसार आगे चल के बच्चे लेगा, और वो बच्चा आगे चल के ऐसे संस्कार में यहाँ पे पलेगा नहीं। इसके लिए मैं आपको विनती करता हूँ कि जैसे गए 5-10 साल यहाँ पे जो उत्सव मनाया जाता था वैसा उत्सव कीजिए। कमलाकर पाटिल भले इधर नहीं, लेकिन हमारे घर के द्वार आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। हाँ, बस इतना बोलना चाहता हूँ। फिर लेकर चलेंगे वहाँ पर, खास जब विसर्जन किया जा रहा था वहाँ पर किस तरीके से लोगों में एक उत्साह था, एक काबिले तारीफ रहा, साथ ही वहाँ पर आयोजकों के साथ बिहार समाज के अध्यक्ष गणपत चौधरी की लोगों ने प्रशंसा की कि इन्होंने जिस तरीके से सरस्वती पूजा के इस त्यौहार में बल दिया है, काबिले तारीफ है। लेकर चलते हैं वहाँ का पूरा दृश्य दर्शाने के लिए।